अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ असलान महमूद मलिक फ्रॉम असलान ट्रॉनिक्स। गाइस कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं? अच्छा गाइस, मेरे सामने जो आप लोग दो तीन जो चीज़ें पड़ी हुई देख रहे होंगे वो है, एक चोक है, एक इग्नाइटर और एक होल्डर है। वो किसका है? इस बल्ब का है। ये है बेसिकली, लोग आम जबान में इसको मरकरी बल्ब बोलते हैं, बट ये मरकरी बल्ब नहीं है, ये एक तरह से जो है ये सोडियम बल्ब है। ये सोडियम बल्ब कैसे है कि जिस तरह से गाड़ियों के अंदर HIDs होती हैं, उसी तरह से ये भी एक AC 220 वोल्ट की HID है। तो ये बेसिकली ये स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ होती है, और बहुत सारे लोग जो है इसको अपने घर के गार्डन लॉन में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी लाइट बहुत तेज़ होती है। ये येलो कलर में और वाइट कलर में आता है ये, और उसके साथ साथ ये अब तो ये खैर ऑब्सोल्यूट होगी, क्योंकि ये बहुत हैवी वोल्टेज के थे। ये तकरीबन आपका जो है ये पावर जो इसकी कंजम्पशन है, आप लोग देखें इसके ऊपर थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ फोकस करके, ये 250 वॉट्स का है। 250 वॉट्स का ये बल्ब है। इसमें जो 1000 वॉट तक के भी आते हैं, जिसकी बहुत एक्स्ट्रा ब्राइट लाइट होती है ये। तो बेसिकली मैंने अपने ही चैनल के ऊपर मैंने शॉर्ट्स में आप लोगों को मैंने चला के दिखाए थे, एक वो दो मरकरी बल्ब थे और एक ये बल्ब था। और मोस्टली आजकल के दौर में भी लोग वो वाले से बल्ब नहीं यूज़ करते जितने ये बल्ब यूज़ करते, क्योंकि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम इसका जो ये जो इग्नाइटर है, इसके मतलब चोक की वायरिंग शायरिंग ये किस तरह से करेंगे। तो चले गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अब इसकी हम लोग वायरिंग की तरफ आते हैं कि हम इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है। तो वायरिंग हमने कुछ किस तरह से करनी है कि जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बैठ जाता हूँ एक साइड पे, ये चोक है इसकी, ये इसका इग्नाइटर है, ये इसका होल्डर है, सही हो गया। कनेक्शन हमने कुछ इस तरह से करने के, देखें सबसे पहले हमने देखना है इसके जो होल्डर के अंदर जो इसका जो ये जो बीच वाला जो पॉइंट है, ये इसका मेन पॉइंट है, ये इग्नाइट कराता है बल्ब के अंदर, ये इग्नाइटर होता है ये। तो इसकी जो ये सर्वे वाली जो तार है ये हम लोगों ने पकड़ लेनी है, और ये जो है ये साइड पे ये कॉमन ये न्यूट्रल में जाएगी। कनेक्शन हमने इसको कुछ इस तरह से करने हैं कि ये देखिए इसकी जो जिस तरह से मैंने आपको बताया बीच वाले पॉइंट की जो तार है उसको हम लोगों ने कहाँ पे लगाना है, उसको हम लोगों ने लगाना है इग्नाइटर के सेंटर वाले पॉइंट में। हमेशा एक बात याद रखना, कभी आप लोगों के पास भी ऐसा हो सकता है किस तरह की लाइट हो अगर वो सही ना चल रही हो, मतलब कोई प्रॉब्लम कर रही हो, तो अगर वैसे तो बल्ब भी इनके ख़राब होते हैं, अगर बल्ब सही हो बट फिर भी ऑन ना हो, तो आप लोगों ने ये चीज़ें चेक करनी। सबसे पहले आपने इसका चोक चेक करना है, उसके बाद जो है आपने इसका इग्नाइटर देखना है। ये पार्ट्स आजकल मार्केट में इतने महंगे नहीं मिलते हैं, बहुत सस्ते पैसों में मिल जाते हैं। तो इसके जो जो बीच वाली जो तार है इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं इसकी बीच वाले पॉइंट में, होल्डर की जो उसकी जो सेंटर वाले पॉइंट की जो तार है, तो इसको हम लोग ऐसे लगा लेते हैं यहाँ पर। इसको मैं अंदर डालता हूँ उसके, ये देखें ऐसे, और अब इसका मैं स्क्रू टाइट कर लेता हूँ, ये देखें। कुछ इस तरह से ये हो गया, ये वायर फिक्स हो गया। आप लोगों ने एक चीज मेक श्योर कर ली, नहीं ये वाली वायर आप लोगों ने सही करके फिक्स करके लगानी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि यहाँ से ये इग्नाइटर है, ये इग्नाइट करता है, यहाँ से स्पार्क हाई वोल्टेज आते हैं यहाँ से। ये जो उसकी जो तार है ये इसके चोक में जाएगी, तो आप लोग एक दफ़ा देख लें। अच्छा, आप लोगों ने अगर बाज़ दफ़ा इग्नाइटर्स पुराने हो जाए तो उस पर से मिट जाते, वैसे तो उस पर लिखा होता है P और इस साइड पे इसका होता है LP और इस साइड पे न्यूट्रल होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर ये मिट जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होता, आप लोगों ने हमेशा इग्नाइटर को अपने जिसको जो सामने वाली साइड है यहाँ पे इसके स्क्रूज की जगह, उसको अपने फेस की तरफ आप लोगों ने रखना है, और इसका जो लेफ्ट वाला जो पॉइंट होगा वो उसके चोक में जाएगा, बीच वाला इसके लैम्प के होल्डर में जाएगा बल्ब के, और जो राइट पे जो लास्ट वाला जो नंबर थर्ड पॉइंट है वो न्यूट्रल है, कॉमन होता है वो। अब ये देखें, ये यहाँ पर कनेक्शंस हो गए इसके। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने जो हमारे पास जो AC केबल जो है 220 वोल्ट की, इसको ले लेना है। ये वाली इसकी न्यूट्रल है, इसकी न्यूट्रल और जो होल्डर की जो न्यूट्रल है, दोनों को हमने आपस में कॉमन कर देना है। ये देखें कुछ इस तरह से, ये जब कॉमन हो जाएंगी इसको हमने इसके न्यूट्रल पॉइंट में डालकर उसको बस फिक्स कर देना ऊपर से। ये न्यूट्रल पॉइंट में इसको लगा दिया मैंने, अब इसको मैं ऊपर से फिक्स कर दूंगा। ये फिक्स हो गई, निकल आई इसके, क्योंकि इग्नाइटर थोड़ा सा पुराना हो गया तो उसके अंदर के ये जो है ये पकड़ नहीं रहे उसको। एनीवेज इसको मैं बाद में आराम से सही करके लगाऊंगा। अब सबसे पहले अगर चोक के कनेक्शंस देख लेते, इसकी न्यूट्रल वायर जो है आराम से बाद में लगा लूंगा। तो चोक के लिए देखें, चोक के अंदर इसके दो पॉइंट्स हैं, तो आपका कोई मसला नहीं, बेशक इसमें लगा दें इसमें लगा दें कोई इशू नहीं। चोक पे आप लोगों ने किस तरह से लगाना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
एक साइड पे जो है आप लोगों ने अपनी ये जो मेन जो आपकी जो लाइफ है होगी वो लगानी है यहाँ पे, और एक साइड पे ये आपने अपनी जो इसकी जो बैलेंस की जो सॉरी इग्नाइटर की जो वायर है ये लगानी है। ये देखें ये लग गई। उसी के साथ अब एक जो है साइड पे हम लोगों ने अपने इग्नाइटर की वायर लगा देनी है। अब मैं अगर उसको जल्दी से फिक्स करके आता हूँ आप लोगों के पास, उसके बाद जो है फिर उसको बल्ब लगाकर उसको ऑन करके देखते हैं। तो ये गाइस कनेक्शन इसके हो गए हैं। अब हम लोग इसको जरा बल्ब इसके अंदर लगा कर उसको होल्डर सॉरी सॉकेट में हम लोग लगा के 220 में चेक करते हैं कि ऑन होता है या नहीं। बल्ब मैं फिक्स कर लेता हूँ उसके अंदर। ये देखें बल्ब फिक्स हो गया इसके अंदर, और अब जरा इसको सॉकेट में लगा के चेक करते हैं। थोड़ा सा ऊपर करें ताकि आप लोगों को नजर आए। ये देखें आप लोगों के सामने बल्ब ऑन हो गया। थोड़ा सा आप लोग इसको एंजॉय करें, तो मैं जरा रूम की लाइट्स ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसका जलवा असल में नजर आए कि बल्ब होता किस तरह चलता किस तरह से है, और जो है इसकी लाइट कितनी तेज होती है। मुझे शक पड़ रहा है कि इसका जो इग्नाइटर जो है वो वीक हो गया, वरना इतना टाइम लेता नहीं है ये मतलब फुली ग्लो होने में। इसका मुझे आई एम डाउटेड कि इसका जो इग्नाइटर है वो वीक हो गया है, लेकिन फिर भी देखिए आहिस्ता आहिस्ता ग्लो मतलब जो है आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रहा है ये। थोड़ा सा लोग इंजॉय करें इसको। कैमरा जो आपको ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है वो कैमरे में कोई उसमें जो है बल्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली ये लाइट बहुत तेज है जिसकी वजह से कैमरा उसको प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहा है। ऐसे ऐसे देखें और तेज होता जा रहा है। बस गाइस वीडियो को बैंड कर देते हैं यहाँ पे। आई होप सो वीडियो को आपने एंजॉय किया और ये फुली ग्लो हो गया, इससे ज़्यादा ग्लो नहीं हो गई है। बट आप लोग देख सकते हैं कि पूरा रूम जो है वो रोशन हो चुका है और बहुत तेज है इसकी लाइट जो है। तो आई होप सो वीडियो आपने एंजॉय किया। वीडियो एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।